अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो आपको अपनी माँ से तो प्यार होगा, साथ ही साथ दोस्तों सिनेमा से भी प्यार होगा। सिनेमा जो कि एक आम व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, सिनेमा जहां पर हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, पैशन है, कमिटमेंट है, सिनेमा वो चकाचौंध की दुनिया जहां पर जाते ही सब लोग गुम हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मुंबई में ही क्यों है ये सिनेमा, यानी कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बॉलीवुड जो है वो माया नगरी मुंबई के अंदर है? नहीं सोचा, कोई बात नहीं, आपका फिल्मी यारा आपको ये बातें बताएगा। देखो, ये बात बताने से पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं मैं। 1913 को भारत की पहली हिंदी फिल्म आई थी जो कि साइलेंट फिल्म थी, ठीक है। इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र और इस फिल्म को बनाया था द ग्रेट द लेजेंडरी दादा साहब फाल्के जी ने। उसके बाद दोस्तों सिनेमा ने धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू किया। फिर उसके बाद एक बोलती फिल्म आती है जिसका नाम था आलम आरा, 1931 में ये फिल्म आई थी। और उसके बाद दोस्तों 90s का दौर आता है, 80s का दौर आता है, 70s का दौर आता है। सबसे बेहतर और सबसे जो गोल्डन दौर आया है दोस्तों वो 70s का माना जाता है, क्योंकि 70s में बहुत ही एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बना जहां पर कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा दोनों ही साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद ये जो लाइन है दोस्तों ये थोड़ी सी आगे हो गई और कमर्शियल ही सिनेमा आने लग गया। 90s को यानी कि 90 के एरा को दोस्तों दौर को थोड़ा सा सिनेमा के मामले में हार्मफुल माना जाता है क्योंकि रेपिटेटिव फिल्म्स आई। चलिए ये तो लंबा डिस्कशन है, लेकिन यहां पर मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा उनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी मुंबई में है पारसी थिएटर। जी हाँ दोस्तों, पारसी थिएटर से इन्फ्लुएंस्ड होके ही हिंदी फिल्म्स बनी हैं। हिंदी फिल्म्स में दोस्तों ज्यादातर आप नाच गाना देखते हैं, बेस्ट कॉस्ट्यूम देखते हैं, सेट डिजाइनिंग देते हैं, तो ये सारी चीजें पारसी थिएटर से जन्मी हैं। पारसी थिएटर के जितने भी कलाकार थे उन्होंने मिलकर सिनेमा बनाना शुरू किया जहां पर वो इन सारी बातों का ख्याल रखते थे। संजय लीला भंसाली सर ने तो अपने एक इंटरव्यू में ये तक कहा है कि मैं हमेशा पारसी थिएटर से इन्फ्लुएंस्ड रहता हूं। तभी तो आप पद्मावत ले लीजिए, आप बाजीराव मस्तानी ले लीजिए या कोई भी उनकी उठा देख लीजिए, जहां पर नाच गाना तो होता है साथ ही साथ दोस्तों बेहतरीन कॉस्ट्यूम्स होते हैं, सेट डिजाइनिंग्स होती हैं। पॉइंट नंबर टू, रॉ स्टॉक। देखो क्या होता था ना, स्टार्टिंग में जब सिनेमा चला था दोस्तों तब रॉ स्टॉक इंग्लैंड से आता था, जर्मनी से आता था। तो ये जो आता था ये शिप के थ्रू आता था, वाया सी आता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो यातायात के साधन थे वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, प्लेन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे और प्लेन्स दोस्तों कमर्शियली इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो दोस्तों सिनेमा के लिए ये जो रॉ स्टॉक आता था, रॉ स्टॉक यानी कि वो जो पहले बड़ा बड़ा कैमरा होता था उसमें कर 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 करके शूट करते थे, तो वो आता था इंग्लैंड से और जर्मनी से। तो ये शिप के थ्रू आता था और बंबई जो है ये कोस्टल लाइन के लिए फेमस है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिसकी वजह से आराम से स्टॉक आता, उतरता और सीधा माया नगरी मुंबई में जाता। इससे क्या होता था कि प्रोड्यूसर्स के पैसे बच जाते थे, तो प्रोड्यूसर ने सोचा कि चलो यार बंबई को ही अपना बेस्ट कमर्शियल प्लेस बना देते हैं। तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट वजह दोस्तों कि बंबई, माया नगरी बंबई जो है, मतलब मुंबई जो है वो पैसे वालों की है। जी हाँ, एक कहावत है ना, दिल्ली है दिल वालों की, बंबई पैसे वालों की। हाँ, तो स्टार्टिंग से ही, जब से मतलब आजादी से पहले से ही अगर आप देखेंगे बंबई का इतिहास, तो बंबई में बहुत ज्यादा रिच और बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग रहते थे जो कि अपना पैसा सिनेमा में इन्वेस्ट करते थे। जी हाँ, ये जो फिल्म, आप सोचते होंगे कि ये जो फिल्म के लिए पैसा आता है ये कहाँ से आता है। स्टार्टिंग डेज में दोस्तों ऐसे ही होता था कि समीर मनचंदानी टाइप के कोई लोग होते थे या घनश्याम मनचंदानी टाइप के जो कोई लोग होते थे, तो वो अपना जो कैपिटल होता था, जो अपना पैसा होता था, वो फिल्म्स के अंदर इन्वेस्ट करते थे। और अभी तक का रिकॉर्ड यही है दोस्तों कि मुंबई में ही सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग रहते हैं ऑल ओवर द इंडिया। चौथी सबसे मेन इंपॉर्टेंट वजह, जहां पर बंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बढ़ रही थी साथ ही साथ रीजनल फिल्म्स भी अलग अलग जगह बढ़ रही थी, जैसे कोलकाता में बढ़ रही थी, हमारी साउथ में तमिल फिल्म इंडस्ट्री बढ़ रही थी, तेलुगु कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हिंदी फिल्म्स का जो स्कोप है, मार्केट है, वो बहुत ज्यादा हाई हो गया था और इसकी रीच पूरे गांव गांव में फैल गई थी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो मुंबई छोड़ के क्यों जाएंगे और मुंबई में ही इंडस्ट्री जमा ली। सो दोस्तों, तब से लेकर यानी कि जब पहली फिल्म बनी थी, आज का युग है यानी कि 2018,
सिनेमा इवॉल्व होता रहा है, सिनेमा बेहतरीन प्रदर्शन करता रहा है और सिनेमा में एक से एक बेहतरीन एक्टर सामने आए हैं। ये तो थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जहां पर मैंने आपको बताया कि क्यों हिंदी सिनेमा जो है यानी कि बॉलीवुड मुंबई में बेस्ड है। आप अरे हाँ, एक और फन फैक्ट बताना चाहूंगा मैं आपको, ये मुंबई नहीं था पहले, ये बंबई था, तो बंबई से फिर मुंबई हो गया रिसेंटली, अभी 4-5-10 सालों में हुआ है। सो दोस्तों, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपको क्या कहना है इस बारे में, क्या आपको ये पता थी बातें? हाँ, नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, आपके फिल्मी यारा ने बता दी। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे सारी बातें, ठीक है। एंड फिल्मी अपडेट्स के लिए कहीं ना जाए, सीधा इधर मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल के पास आए, फिल्मी यारा राहुल भोज के पास।